रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं गुरिंदर सिंह पाठ करता हाँ स्वागत। दोस्तों जिमें कि तुसी कल स्पोक्समैन टीवी ते अजनाला दीयां खबरां प्रकाशित होईयां देखियां ने कि लोग जिहड़े ने ओह करफ्यू का जिहड़ा पालन है ओह किते वी करदे नज़र नहीं आए और वड्डी गिणती दे विच जिहड़ियां दुकानां खुल्लियां सन और बाज़ारां दे विच जिहड़ी चहल पहल आ ओह आम दी तरह सी। असीं जदों ग्राउंड ते जा के देखिया तां पुलिस दीयां जिहड़ियां गड्डियां ने ओह पत्रकारां नूं वेख के बाज़ार च दुकाना बंद कराउंदियां नज़र आईयां पर शरारती जिहड़े अंसर ही वह फिर जो पुलिस की गड्डी लंघ जाती सी और वड्डी गिणती दे विच फिर सड़कों के उत्ते आ के इकट्ठे हो जाते सी। जदों के बीते कल जिहड़ियां खबरां नशर होईयां सन कि अमृतसर जिले च करोना के जिहड़े 100 तों वध मामले पॉजिटिव पाए गए ने वो अजनाला दे नाल भी संबंधित ने और अजनाला के भी वख-वख पिंडां दे कुछ लोग जिहड़े ने उन्हां पॉजिटिव मामलों तों शामिल ने और पंजाब पुलिस ने एकदम हरकत च आउंदिआं अज अजनाला नूं मुकम्मल तौर पर सील करन दा जिहड़ा ऐलान कर दिता और मैं तुहानूं दिखावांगा कैमरामैन तस्वीरां दिखाउण किते किते जिहड़े लोग आ अजे भी घरों बाहर निकलते नज़र आ रहे और बाज़ारां च जिहड़ा आ घूम रहे ने। पुलिस किस तरह के प्रबंध इत्थे लै के आई है जां की कर रही है मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि इत्थे SHO अजनाला सतीश कुमार जी भी खड़े ने उहनां कोल जानण दी कोशिश करांगे किवें दे जिहड़े हालात ने। सर करफ्यू का की प्रबंध है जी इस वेले? हाँ जी करफ्यू तो बहुत वधिया होना बिल्कुल कंट्रोल है कंट्रोल है जी तो बिल्कुल दुकाना अपने जी जिन्होंने टाइम दिता वो खुल रही दूजी कोई नहीं आवाजाई जी भी बंद आ कणक की मंडी जो रस्ता एक आ सिर्फ वो कणक ट्राली करके थोड़ा रश आ क्योंकि शहर के मंडी एक तरफा वा तो दोनों पास जो ट्रालियां आदि वो करके थोड़ा ब्लॉकेज हो जाती है। यह जो वेखो मैं कैमरामैन कहूँगा इधर भी दिखाऊंगे जो कारा वाले लोग आ जा रहे हैं मोटरसाइकलों पर आ जा रहे हैं इन्हों रोक के तुम पूछा कि इन्हों का की काम है बाजार से जो करफ्यू लगा ज्यादा ये कहें भी साडा इन्हों का काम है भी ट्रै मंडी का काम आते मंडी चो जे किसान लैके आते ने वो लिया के उन्होंने पैसे को लैन जाते हैं तो ज़्यादा आड़त न संबंधित ने लोग ने तो फिर इन्हों पुछ के तो जिन्हों को पास है जां फिर मंडी का काम वो करके भेजा जाता। कल जो अमृतसर तो मामले आए थे पॉजिटिव करोना अजनाले नाल भी संबंधित दसे जा रहे कुछ लोग अजनाले के भी ने कि अजनाले सील करने की लोड़ है होर प्रबंध पुख्ता करने की लोड़ है इतने पंजाब पुलिस ने बिल्कुल वहीं तो लोगों ने यही बेनती करता पहले 3 पॉजिटिव आ चुके हैं साढ़े इलाके के पिंड जो हजूर साहब ही गए नंदेड़ साहब उतों संगत आई आ उन्होंने 3 पॉजिटिव आए हैं जिन्होंने अपना कनाडाइज पहला ही ऑलरेडी किया जा चुका वा तो हूँ लोगों ने अवेयर करने भी अपनी बेनती है भी इन्हों इन नॉर्मल बीमारी ना समझन तो घर रहन तो जे लगातार घर रहे तो ये वधिया बीमारी दूर कर सकते हैं। दुकानदारों की अपील है कि जो दुकानदार बिना वजह दुकाना खोलते हैं उन्होंने अपील है कि साडा साथ देने तो ज़्यादा रश ना पा जे कोई हैगा जिन्होंने ज़्यादा हैगी रश वॉलंटियर राही जाके दे समान तो जाके साइड पर बंदे देखते साइड सप्लाई कर ये तुसी SHO अजनाला इंस्पैक्टर सतीश कुमार जी को सुनिया कि वो करफ्यू जी पूरी पालना कर रहे ने इत्थे साढ़े नाल DSP अजनाला सरदार सोहन सिंह भी जुड़ चुके ने उन्होंने को सर तुसी अजनाला मेन चौंक च आए हो करफ्यू का किवें दा इत्थे जी हालात ने? करफ्यू ठीक है थोड़ा बहुत जिहड़ियां मैंडेटरी जिहड़ी ऑलरेडी बनिया हुआ एडवाइजरी बनी भी हैगी है उहदे अकॉर्डिंगली दुकानां थोड़ियां बहुतियां असीं रिलैक्सेशन दिंदे आ पर ज़्यादा तौर पर लोगों को लॉकडाउन करने की हिदायत की जाती है। कल तक अजनाला जो काफ़ी हद तक खुला ही 80-85 प्रतिशत लोगों ने दुकाना भी खोलिया सी बाजार चहल पहल भी असीं देखा कि जो तुहाडियां गड्डियां ही उदों लोग दुकाना बंद करके घरों नूं भज्जे ने अज्ज कोई इस तरह की गल वेखण चाहिए नहीं अज्ज तो लगभग ठीक है कल इस तरह का इशू सीगा किथे कोई इंसीडेंट हुई सी कल हरड़ कला मुंडे ने किसी ने सुइसाइड कर ली सी इत्थे फिर वो कोई वारस वूरस इत्थे कट्ठे कुट्ठे हो गए सी उहदी मगर डेड बॉडी वेखण दी खातर वो बाद मैं आप खुद इंटरवीन करके घरों इन्हों तोड़ दिता सीगा स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हैगी है पीसफुल है कोई यही जिक्र नहीं। कल अमृतसर जो करोना पॉजिटिव मामले 100 तो वध आए और अजनाले नाल भी कुछ लोग संबंधित दसे जा रहे हैं अजनाला वासियों को की अपील करोगे कि जो वायरस तो किवें बचा जाए? हाँ अजनाला दे विच साडे सब डिवीजन दे विच कुल जिहड़े हैगे आ एक केस लखूवाल तो आया एक ईसापुर तो एक तलवंडी राज दादू है तो दो जिहड़े हैगे आ केस झजोटी है एक उधरों तोला नंगल दा एक मैनूं हुण पता लग्गिया भी बल बावा पिंड है थाने चढ़ेर दे विच वो केस भी पॉजिटिव आया वो सारे जिहड़े हैगे आ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ
जिहड़े लॉकडाउन करन प्रॉपर, इहदे विच किसी प्रकार की जिहड़ी कताई ना करन, क्योंकि जिहड़ी हैगी आ इह बीमारी जिहड़ी हैगी आ उह अपना असर दिखा चुकी आ। होर भी जिहड़े हैगे आ लोगों नूं जिहड़ा हैगा मतलब इह तों जिहड़ा बच के रहना चाहिए। जिहड़ी 7 तों 11 बजे दुकानां खोलण दा इक पंजाब सरकार ने ऐलान कीता सी, नाला च उहदे की प्रबंध ने जी? नहीं, हाल की घड़ी वह एज इट ही है, डी सी साहब ने वो दोबारा आ गई सी, उन्हां दी अडवाइज आ गई सी डी सी साहब की भी जी है, जिस तरह पहला बनाया हैगा उस तरह की दुकाना चलनगियाँ। जिहड़ा शड्यूल बनया हुआ हैगा जिवें 5 तों 8 जिहड़ियां डेयरी दियां दुकानां है, सब्जी दियां दुकानां है, इस तरह मतलब जो है जी पहला एडवाइजरी बनी सी अकॉर्डिंगली चल रहा, जिहड़ा नवीं जिहड़ी हैगी सी 7 तों 11 वाला नहीं अजे इंप्लीमेंट किया। ये तुम सुने जी डी एस पी अजनला सरदार सोहन सिंह को उन्होंने दसिया कि करफ्यू के संबंध में किसी तरह की किसी कोई ढिल नहीं दी जाएगी, और जो पंजाब सरकार दीयां हदायतां होणगियां डिप्टी कमिश्नर अमृतसर वालों जो भी एडवाइजरी जारी की जाएगी वह इन बिन पालन जिहड़ा आ अजनला सब डिवीजन च करवाया जाएगा। और खुद उन्हें आप जी दसा कि वह कमांड संभाली हुई है, क्योंकि अजनला दे विच नवें जिहड़े करोना पॉजिटिव मामले आउण कारण एक वारी जिहड़ा अजनला आ वह भी हिट लिस्ट ते आउंदा नज़र आ रहा, और मामले वधन दे जिहड़े चांस वह पाए जा सकते हैं। इस करके लोगों को अवेयर करन लई उन्हां दे घरां अंदर रहन लई दुकानदारां नूं दुकानां बंद करन दी जिहड़ी अपील आ ओ करदे पए ने।